नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमस्ते। And just sorry for delay, there was power issues and I forgot that Acharya is not there today. And so I came on time. And just give me 1 minute more, I'll come back. Okay, I need to do something. उसमें एक चीज स्पष्ट उभरा उन्होंने कहा कि जब तक जरासंघ का वध नहीं होगा तब तक राज करना संभव नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पूरी जरासंघ की कथा बताई और पूरी बात कही तो युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने ये भी भगवान ने बात बताई कि जरासंघ ने 80-85 जैसे राजाओं को कैद करके रखा और एक बार 100 हो जाएंगे तो जरासंघ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तामस यज्ञ करने वाला है, उसके बाद उसको मारना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए जब मारना है तो अभी ही उसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। ये जब युधिष्ठिर ने सब सुना तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप परम बुद्धिमान हैं और आपने जो हमसे कहा इसी बात तो कोई दूसरा नहीं कह सकता। और आजकल जैसे हम देखते हैं कई लोग अपने आप को टाइटल लगा लेते हैं जगत गुरु, स्वयं जगत गुरु बन जाते हैं, उसी समय पे स्वयं सम्राट बन जाते थे। युधिष्ठिर कहते हैं गृहे गृहे ही राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः न च साम्राज्यमाप्तास्ते। साम्राज्य कुछ नहीं है लेकिन स्वयं सम्राट लिखते रहते हैं, अपनी ही प्रशंसा कराते रहते हैं। और कि युधिष्ठिर ने एक अच्छी बात कही, बहुला विशाला भूमि ही बहुरत्न समाचिता। पृथ्वी अति विशाल है, अनेक रत्न सुना, उसकी क्रूरता के बारे में सुना और ये भी सुना भगवान के श्री मुख से के भी मैं भी मथुरा छोड़ के भागा था उसके बल के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे लिए कल कैन यू हियर मी Swamiji, it's patchy. It's coming and going. It's not very clear. Yeah, there was a lot of lightning and heavy downpour. Oh, okay. Power failure for some time. Finally, just 2 minutes ago, it came. So
So I don't know how it will go. Okay, Swamiji. See me now clearly? Yeah, Swamiji. Yeah. युधिष्ठिर ने कहा समम एव परम मन्ये क्षमात् क्षेमम् भवेत् मम। समम इंद्रिय निग्रह करके, इंद्रिय निग्रह करके जीना ही मैं अपने आप में के श्रेष्ठ मानता हूँ, उसी में मेरा कल्याण होगा। आरंभे पारमेष्ठे तु न प्राप्यामिति मे मति। राजसु यज्ञ का आरंभ करके मैं ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अर्थात यज्ञ में पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और आप ये भी जानते हैं जनार्दन, सभासद भी समझ गए हैं, और जब आपने कहा खुद ने कि जरासंघ के भय से और उसकी दुष्टता से शंकित होकर आप मथुरा छोड़ के चले गए, हम भी वैसे जी रहे, हमारे मन में भी यही भाव है कि जरासंघ का भय हमारे मन में भी रहता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उससे युद्ध करें। और बलराम जी से, भीम से, अर्जुन से वह मारा जा सकता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे को उसकी में विश्वास भी नहीं है, और मैं कह भी नहीं सकता हूं कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि न करे। और युधिष्ठिर ने क्या कहा, देखिए युधिष्ठिर की भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा है। त्वं मे प्रमाण भूतेषु सर्वकार्येषु केशव, तच्छ्रुत्वा च अब्रवीत भीमसेनो वाक्यम वाक्य विशारद। हे केशव, मेरे लिए तो आप ही प्रमाण है, और आप ही को देख के आपकी का आचरण का अनुसरण मैं करता हूं। और ये जब युधिष्ठिर ने कहा तब भीमसेन बोल उठे, दो चार अच्छी सुभाषित भीमसेन जी के श्रीमुख से यहां से निकलती है, कहते हैं भीमसेन कि जो राजा अनारंभो राजा, जो राजा उत्तम कार्य का आरंभ ही नहीं करता है, अच्छे कार्य करने के लिए उद्युत नहीं हो जाता, और जो दुर्बल राजा है, बलवान राजा उत्तम कार्य नहीं करता है, और दुर्बल राजा युक्ति से सोचे बगैर कार्य कर लेता है, दोनों का विनाश होता है। कैसे? वल्मीकि वह जैसे मिट्टी का ढेर होता है, जहां चीटियों ने अपना दर बना लिया होता है, दिमकों का अपना घर बनाया होता है, तो उस तरह मिट्टी के ढेर की तरह वो नाश हो जाता है। इसलिए अतिंद्रश्च प्रायेण दुर्बलो बलिनम रिपु। अगर कोई आदमी दुर्बल है, उसका दुश्मन बलवान है, फिर भी अतिंद्र आलस्य को त्याग करके युक्ति से जो काम लेता है वो शत्रु को जीत कर, इसलिए अपना अभिष्ट वो कर सकता है जो हमेशा पुरुषार्थ को समर्पित होता है। कृष्ण में नीति है, भीमसेन की देखो, मति देखो। कृष्णे नयः मई बलम जयः पार्थे धनंजय। कृष्ण में नीति है, मेरे में बल है, और अर्जुन का में विजय है। मागधम साधयिष्यामि, हम मगध को जीत लेंगे। इष्टिम त्रय इवाग्न, यज्ञ के जो तीन अग्नि हैं उसी प्रकार से हम तीनों जाएंगे और उसको हटा देंगे। वद बुद्धिम अवलाश्रित्य सर्वम प्राप्स्यसि धर्मराज। हे युधिष्ठिर राजा, गोविंद हर भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, आपकी बुद्धि का आश्रय लेके, मतलब आपकी आज्ञा पाके, आप जो कहें वैसा सोच के युधिष्ठिर सब कुछ प्राप्त कर सकते। और इसमें एक दूसरी देखो, युधिष्ठिर की श्रद्धा देखो, उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रमाण है। भीमसेन कहते हैं येषां नाथो भवान सदा, जिसके आप नाथ हो हमेशा, जय अस्माकं ही गोविंद, ऐसे हमारे लिए निरंतर विजय ही होने वाली है, उसमें कोई दो मत नहीं। भगवान ने कहा देखिए राजा, अज्ञानी पुरुष बड़े बड़े कार्य का आरंभ तो करते हैं, लेकिन वे परिणाम की ओर कभी नहीं देखते, अतः केवल अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए लोगों को विवेक शून्य होके शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष सह नहीं सकते। जरासंघ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और शत्रु विवेक शून्य शत्रु है, इसलिए उसको मारना चाहिए।
भगवान ने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही, पांच सम्राट पहले हुए, उनका नाम लिया, कौन थे पांच सम्राट? युवनाश्व के पुत्र मंधाता, जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट पद प्राप्त किया। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन ने तपोबल से प्राप्त किया। राजा भरत ने स्वाभाविक सम्राट बल से हुआ। भगीरथ राजा प्रजा का पालन करने से सम्राटत्व प्राप्त हुए, और राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट को प्राप्त। भगवान कहते हैं कि मंधाता इत्यादि राजा एक एक गुण से सम्राट हो गए, आप में सम्राट के पांचों गुण है। क्या पांच गुण है? एक शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपशक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति। देखो राजा में ये सब चीज होनी चाहिए। आज राजा कोई भी हो, जिसको हम शासक कहें, वो शासक में ये सब गुण होने चाहिए। उसके जीवन में तप होना चाहिए, उसके जीवन में नीति होनी चाहिए, प्रजा पालन भाव होना चाहिए, सिर्फ अपने स्वार्थ का नहीं सोचना चाहिए, और उतने ही नहीं राज्य में धन समृद्धि होनी चाहिए और जय लक्ष्मी उसके नसीब में होनी चाहिए। आपको सब पांच हैं, तो जब क्षत्रियों के 100 कुल जरासंघ के साथ नहीं है और उसमें से कुछ को छोड़कर सबको घेर लिया है, तो वो कैसे हमसे साथ करेगा? क्षत्रिय जब युद्ध में मारा जाता है तब उसका सत्कार होता है, हम जरासंघ को द्वंद्व युद्ध में मार डालेंगे, उसको सत्कार दिलाएंगे। ऐसे तो वो सत्कार का योग्य नहीं है, उसने जो काम किया है उसी कारण से, इसीलिए हम उसको सत्कार दिलाएंगे। 86 राजाओं को उसने कैद कर रखा, 86, 100 हो जाएंगे तो फिर पश्चात कुरु कर्म में प्रवृत्त होगा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी सम्राट के गुणों की प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो, केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंघ के पास कैसे भेज सकता हूं? देखिए युधिष्ठिर का अपने भाइयों के प्रति कैसा प्रेम है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भीम और अर्जुन मेरे नेत्र है जनार्दन, आपको तो मैं अपना मन मानता हूं, आप मेरे मन समान है। अपने मन और नेत्र को खो देने पर आदमी का जीवन कैसा हो सकता? आप कल्पना कीजिए, आप साहस के बल से जा रहे हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो आप उसको जीतोगे कैसे और फिर वापस कैसे होगी? मुझे तो लग रहा है कि यह कार्य विपरीत फल देने वाला है, अवश्य अनर्थ की प्राप्ति होगी अगर ऐसा करेंगे तो। राजस्व यज्ञ की ओर ध्यान देना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, अर्थात मैं चाहता हूं राजस्व यज्ञ का करने का विचार मैं छोड़ दूं। अनुष्ठान बड़ा कठिन है, अब मुझे निरुत्साह हो गया, मैं इस विषय में अति निरुत्साह ही अपने को देख रहा हूं। ऐसा जब युधिष्ठिर ने कह दिया, अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहते हैं, धनुष शस्त्रम शरावीर्यम पक्षो भूमिर यशोर बलम प्राप्यम एतन मया राजन दुष्प्रापम यद अभिप्सतम। कहते हैं, हे राजन, धनुष शस्त्र बाण पराक्रम और श्रेष्ठ सहायक भूमि और यश बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से हो, ये सभी दुर्लभ वस्तु है, लेकिन मुझे आपकी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई है, मैं अपने आपको बड़भागी मानता हूं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान उत्तम कुल में जन्म होना उसके समान नहीं, मुझे तो केवल बल और पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर्य कुल में उत्पन्न होने पर भी स्वयं निर्बल थे, वो क्या करेंगे? निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं को जीतने में जिसकी जो राजा की प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो
तो भी वह शत्रुओं के संकट से प्रजा को पार कर सकता है। जो निर्बल है वह सर्वगुण संपन्न होने पर भी क्या करेगा, पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। गुणी भूता गुणा सर्वे तिष्ठन्ति ही पराक्रमे। जो राजा पराक्रमी होता है उसमें ही सभी गुण उसके अंग रूप रहते हैं। और कहते हैं, हे महाराज, मनोयोग और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु। पुरुषार्थ से ही विजय होती है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी अगर प्रमाद करे, कर्तव्य में मन न लगाए, तो आदमी कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। इसलिए राजा अब पुरुषार्थ की सोचे। जीवन में क्षत्रिय के जीवन में दीनता और मोह हमेशा उसके विनाश के कारण है। अतः विजय चाहने वाले राजा को दोनों का त्याग करना उचित है। कैन यू सी मी निपा? यस स्वामी। लेट मी सी। सेवा की ऋषि ने पूछा, मुनि ने पूछा कि क्यों जरा उदास लग रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र नहीं है। और पुत्रहीन मनुष्य पितृ ऋण पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। मैं पुत्र सुख पाना चाहता हूं, इत्यादि अपनी ही पीड़ा व्यक्त की। और उसने कहा, ऐसे में बोलते बोलते बोल रह गया, बोल गया कि जब पुत्र ही नहीं है तो फिर क्या करो राज्य का। मैं सोच रहा हूँ थोड़े समय बाद वन में जाकर बस वानप्रस्थ स्वीकार करके तपस्या करो। उसका दुख सुन के ऋषि के मन में दया आ गई। जब उनके मन में दया आई तो तब उन्होंने कहा कि हे राजा, मैं तेरे पर संतुष्ट हूं, तुम वर मांगो मैं दे दूंगा। तीनों, दो रानियां और राजा, ऋषि के चरण में गिर पड़े और रोने लगे। और मुझे तो वन में जाना है रा भगवान, जब तो पुत्र नहीं होने वाला है तो मैं वन में चला जाऊं, बस आज्ञा दीजिए। तब मुनि ध्यानस्थ हो गए। उतने में ही वो जहां आम के पेड़ के नीचे बैठे थे वहां से ऊपर से एक आम गिरा। वहां न तोता आया था, न पक्षी था, कुछ नहीं था, हवा भी नहीं थी, ऐसे ही गिरा। तब मुनि ने अपने हाथ में लेके मंत्र से मंत्रित करके राजा को दिया और यह कहा कि ये फल आपका मनोरथ पूर्ण करेगा, आप राजधानी लौट जाओ। राजा बड़ी खुशी से चला गया। और कहा राम मुनि ने, तुम यज्ञ यजन करो और फिर आज जो संकल्प किया है उसको पूर्ण करना, पुत्र का राज्याभिषेक करके वन में चले जाना। मुनि ने कह दिया ठीक है। इतना ही नहीं, मुनि जी इतने प्रसन्न हो गए कि उसको पुत्र के लिए 8 वरदान दिए, कैसा पुत्र होगा। कहा मुनि जी ने कि तुम्हारा पुत्र एक ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजय होगा, किसी को इसको कोई उसको जीत नहीं पाएगा। तीसरा, युद्ध में कभी उसकी रति, उसकी रुचि कम ना होगी। वह अतिथियों का भी प्रेमी होगा, अतिथि सत्कार करेगा। दिन दुखियों का पर भी उसकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी, बड़ा दानवीर होगा, बल बड़ा महान होगा और उसकी कीर्ति अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका स्नेह और प्रजा का उस पर स्नेह बना रहेगा। संतान था नहीं, सिर्फ संतान की मां इच्छा से गए थे और मुनि ने संतान दे भी दिया और ये भी कह दिया। राजा तो सच में फूले न समाए खुशी के मारे, के ऐसा बढ़िया संतान होगा, अपने कुलोचित संतान हो जाएगी संतति, बड़े प्रसन्न हो गए। और घर पे जाके आम के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों रानियों को खिला दिया।
काल की गति बड़ी न्यारी है, यू नो, भवित्व भवित्वाद अपि च अर्थस्य सत्यवाक्य तया मुने, जो भविष्य में होने वाला है वो होगा ही, और वैसे भी वो मुनि सत्यवादी थे, उन्होंने जो कहा वही हुआ। काल पूर्ण होने पर दोनों रानियों ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा कैसा था, शरीर का एक एक टुकड़ा था, दो टुकड़े बनाए, एक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, और कटी के नीचे का प्रदेश भी आधा था। जब प्रसूति हुई, रानियों ने सब देखा तो बड़े दुखी हो गए, डर गई, ये क्या हुआ। उन्होंने अपनी सेविका से बोल के पिछले दरवाजे से जाके गर्भ को चौराहे पे छोड़ दिया। राजा को पता चला, सब विलाप करने लगे, और विधि विधान से प्रेरित, यू नो, भवितव्यम कर्तु कामा सुख वहे शकले सातु राक्षसी, चौराहे पर उस जो टुकड़े थे एक राक्षसी ने उठा लिया, और दोनों टुकड़ों को सुविधा पड़े ले जाने के लिए, दो थे आधे, एक हाथ में कैसे ले जा सकती, इसलिए उसने ऐसे ही जोड़ दिया। जब उसने इसे तो संयोग से एक बड़ा शरीरधारी है वो कुमार जीवंत हो गया। टुकड़े दोनों निश्चेतन थे, लेकिन जैसा वो राक्षसी ने जोड़ा तो दोनों टुकड़े जीवंत हो गए, और शिशु बड़ा भारी था, वज्र समान था, बड़ी जोर से रोने लग गया जैसा, और मेघ की भांति गंभीर स्वर में रोने लगा। जब वो बच्चा रोने लगा तो उसकी आवाज आई महल में, रात्रि का समय था, राजा सहित रानियां बाहर आ गई। उन दोनों रानियों को देखकर पुत्र की लालसा से प्रेरित रानियां थी, अतृप्त काम थी पुत्र का सुख की, राजा भी पुत्र सुख से अतृप्त काम था, तो उसने कहा, वो राक्षसी ने कहा, मैं तेरे राज्य में रहती हूं, वो तू पुत्र की इच्छा रखता है, अथवा इसीलिए मेरे लिए तेरे पुत्र की हत्या करना उचित नहीं है। ये सोच के राक्षसी ने बड़ी सुहावनी सुंदरी का रूप धारण किया, राजा के पास गई और कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, मैं तुम्हें दे रही हूं, मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि के वरदान और उसके आशीर्वाद से दोनों रानियों को पुत्र सुख देने के लिए हुआ है जन्म, सेविका ने धाई ने बाहर फेंक दिए थे, मैं किंतु मैंने इसकी रक्षा क्या। रानियों ने ले लिया तुरंत अपनी गोद में, किन राजा ने पूछा कि हे कमले, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो, बताओ, मुझे तो इच्छा लग रहा है कि तुम कोई देवी हो, अपनी इच्छा अनुसार घूमने वाली। तब वो सुंदरी ने कहा, जरा नामास्मि भद्रम ते, मैं जरा नाम की हूं, काम रूपिणी राक्षसी, अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाली मैं राक्षसी हूं। तव वेश्मनि पूजिता राजेंद्र, तुम्हारे महल में मैं पूजित होते हो आई हूं, और इसलिए यहां सुख पूर्वक मैं निवास करती। देखिए जरा कौन थी, वो कहती है, हम तो कहते हैं राक्षसी है, लेकिन राक्षसी नहीं है। उन्होंने कहा कि कहने को तो मैं राक्षसी हूं, यू नो, लेकिन मैं कौन हूं, ब्रह्मा जी ने मेरा सर्जन किया था और मेरे नाम है ग्रह देवी, और ग्रह में सुख ग्रह लक्ष्मी के रूप में मेरा सर्जन है, और मनुष्यों के घर में मैं सदा रहती हूं, जहां ग्रह सुख है ग्रह लक्ष्मी है वो मेरे कारण है। ब्रह्मा जी ने दानवों के विनाश के लिए मुझे नियुक्त किया था, मेरा पूजन कैसे होता है, एक महिला को, बच्चों से गिरी महिला को चित्र के रूप में, युवती को चित्रांकित करना है और उसकी रोज पूजा करनी है, तो उस घर में सदा समृद्धि रहती है। राजा,
तेरे राज्य में भी मेरी पूजा होती है, तेरे महल में विशेषतः, इसलिए तेरे राज्य में समृद्धि है। कई पुत्रों से गिरी हुई वह खड़ी होती, उसकी पूजा करनी चाहिए, और इस पूजन के बदले में मैं सदा सोचती थी कि तेरे पर क्या उपकार करो, दैव ने मुझे ये दे दिया अवसर। मैं तो सब कुछ कर सकती हूं। जब उसने कहा तो राजा ने उसका आभार व्यक्त करके बालक को लेकर महल में चले गए, और तब से राजा ने आज्ञा दे दी कि मगध देश में निरंतर हर घर में, घर के बाहर गृह लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए, चित्र, और सबको उसकी पूजा करना चाहिए। एक मगध देश की परंपरा बन गई। थोड़े समय बाद चंड कौशिक ऋषि आए, राजा को पुत्र सुख मिल गया। राजा ने कहा जब नामकरण संस्कार हुआ तो वो गृहलक्ष्मी को याद करके राजा ने कहा इसका नाम जरासंघ रखो। जरा द्वारा संधित किया गया, इकट्ठा किया गया, इसलिए उसका नाम जरासंघ पड़ गया। और वो कहता था रूप सत्व बल और ओज में अद्वितीय था। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि पराक्रम युक्त रहेगा, चंड कौशिक जी ने कहा था। उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार तुम्हारा राजकुमार के वेग को दूसरे कोई राजा नहीं पा सके, मतलब वो गरुड़ जैसा रहेगा। ऐसे कई उपमा देखें जरासंघ का वर्णन है। ऋषि ने पुनः आशीर्वाद दिए और फिर वचन याद दिलाया कि बेटे राज्याभिषेक करके वन में जाना है। राजा बड़ा सत्यवादी था, समय अनुकूल आने पर जरासंघ का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करके स्वयं वन में तप करने के चले गए। जरासंघ के दो मंत्री भी थे, हंस और डिंभक नाम से लिखे। देखिए वो जो पहले भी कथा आई थी, सेनापति और मंत्री दोनों एक ही है। वो हंस और डिंभक जो पहले कथा आई थी, जो मर गए कृष्ण भगवान के साथ 17वीं बार युद्ध में मरे, वो सेनापति भी थे और उसके मंत्री भी थे। वो किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाले नहीं थे, और तीनों मिलकर जब मिल गए थे तो अजय हो गए। होनी को अनहोनी कर दे, एक जगह जब जना हो गया अमर अकबर एंथनी, ऐसा ड्रामा वाली बात थी तीनों की। होनी को अनहोनी कर सकते थे। जब फिर भगवान ने कहा कि वो हंस और डिंभक यमुना जी में डूब मरे, और कंस भी अपने सेवक के साथ काल में चला गया है, जरासंघ के नाश का अवसर ये सबसे श्रेष्ठ उचित अवसर प्राप्त हुआ। युद्ध में तो उसे देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। मेरी समझ में यही आता है कि उसको बाहु युद्ध से जीतना है। मुझ में नीति है, जो चीज भीम ने कही थी स्वयं भगवान कह रहे। मुझ में नीति है, भीम में बल है, और दोनों की रक्षा करने के लिए अर्जुन है। तो जब तीन अग्नि होगी तो हम मिलाल मिलकर जरासंघ के वध का कार्य पूर्ण करके आ जाएंगे। अतः हे राजन, जरासंघ को एकांत में मिलेंगे और उसका विनाश करके वापस चले आएंगे। आप मुझे, भगवान कैसे आदर से कहते, कैसे भाव से कहते, आप मुझे धरोहर के रूप में अर्जुन और भीम को शीघ्र दे दीजिए। भगवान ऐसी मांग कर रहे धरोहर के रूप। युधिष्ठिर ने कहा आपका नाम अच्युत है। अच्युत मतलब जो च्युति को, पतन को, गिरावट को प्राप्त न करे। वह कई प्रकार से हम च्युति होती हैं। तो पैसे की च्युति हो जाए, यश की च्युति हो जाए, सत्ता की च्युति हो जाए,
लेकिन ये धर्म की च्युति की बात, ये नीति की च्युति की बात कर। आप कभी नीति से चलित होने वाले नहीं है, भगवान अब हमेशा मर्यादा में रहते हैं। नीति का अर्थ दूसरा ये भी है, मर्यादा। देखिए मनुष्य के जीवन में एक सीखना हो तो इतना ही सीखना है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं संस्कार देना है, संस्कार देना है, तो संस्कार में भी इतना ही सीखना है। मर्यादा सीखना और मर्यादा की शिक्षा देना वही संस्कार। दोनों प्रकार की मर्यादा, काम करने की भी मर्यादा और नहीं करने की भी मर्यादा। कहाँ करना है वो भी पता होना चाहिए और कितना करना है, और कहाँ नहीं करना है वो भी अपने को आना जानना चाहिए, और उसमें चिति ना हो। ऐसे आप हैं, आप कृपया ऐसी बात ना करें कि हम हमें तुम्हें धरोहर में दे। पांडवानाम भवान्नाथो भवंतम च आश्रिता वयम्। अब मेरे और सभी पांडवों के नाथ हम सब आपके आश्रित हैं, आप जैसा कहते हैं वैसा ही गोविंद ठीक है। यथा वदसि गोविंद सर्वम तदुपपद्यते, वही योग्य है, वही यथार्थ है, वही करणीय है। और जिसकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो गई है उसके सम्मुख तो आपे आते ही नहीं, हमारे सम्मुख पुनः पुनः आते रहे हैं। इसलिए इसका अर्थ यह है कि हमारी राज्य लक्ष्मी विमुख नहीं हुई है। अच्छा, इसलिए फिर भी भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर युधिष्ठिर बोलते हैं कि ये भगवान आप जैसा ठीक समझे वैसा सोच समझ के सावधान होकर उपाय कीजिए कि यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। जैसे धर्म काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, सुसाइड की सोचता है, तो उसी प्रकार मैं आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास। मतलब यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ही विजय, वहां विजय हो जाएगा, आप निश्चित रहिए। तो मुझे विश्वास है कि हमारा विजय होगा आपसे होने पर भी। इतना ही नहीं, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी आप दोनों के साथ रखकर चलेगा, तब आप तीन क्या नहीं कर सकते। इसीलिए आप हम शरण में हैं। तस्मात नय विधानज्ञम पुरुषम लोक विश्रुतम भव। हम आपकी शरण में हैं और आपकी शरण में रह के कार्य सिद्धि का प्रयत्न करें। वर्णन आता है, युधिष्ठिर ने कहा कि आप करिए। भगवान ने दोनों को बोला कि भैया अभी ब्राह्मण वेश धारण कर दीजिए, सो दिखावे के ब्राह्मण बन गए और तीनों तेजस्वी हो योद्धा चल दिए। जब चले तब भगवान कृष्ण द्वारा मगध की प्रशंसा की जाती, कैसा समृद्ध राज्य था, कैसी समृद्ध प्रजा थी, रास्ते कैसे थे, सुशोभित कितने वृक्ष थे, और जैसे वृक्ष एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं मनुष्य की तरह, कई वनों वृक्षों के वन थे जिससे पांच पर्वत अगल बगल में थे वो ढके हुए सब लग रहे थे, और अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाला महात्मा गौतम ने उशीर्ण देश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान पुत्र को जन्म दिया था, और वही काक्षीवान का आश्रम
इनमें श्रेष्ठ पर्वत थे, बड़े बड़े कमाल वृक्ष थे, मकर नगर की शोभा बढ़ा रही थी, चारों ओर से नगर बड़ा दुर्धर्ष दिखाता था। इसलिए जरासंघ को हमेशा अभिमान रहता था, मेरा महल जैसा, मेरा नगर जैसा, मेरे किले जैसा किसी का किला नहीं, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा कि अभी राजधानी में कैसे प्रवेश किया जाए। देखिए, संपन्न समृद्ध राज्य का एक दूसरा भी लक्षण है। क्या लक्षण है? वहां अत्यधिक उत्सव होते रहते, उत्सव प्रिया ही जनाहा, लोगों को कुछ ना कुछ उत्सव चाहिए। और चैत्य नामक पर्वत थे, उसके ऊपर भगवान चलेंगे। चैत्य पर्वत की पूजा वो लोग करते थे, जैसे गिरिराज की पूजा होती थी, होती है, क्योंकि उनको चैत्य का अति प्रिय था। वहां पे, उस स्थान पे बृहद रथ ने उस पर्वत पे एक ऋषभ नामक मांस बक्षी राक्षस रहता था, उसको मार करके उसकी खाल से तीन बड़े नगाड़े बना के रख दिए। इतने बड़े नगाड़े थे कि एक बार उसको बजाने से पूरे शहर में उसकी ध्वनि चलती पहुंच जाती थी। उन लोगों ने क्या किया, भगवान ने सबसे पहले तीनों नगाड़े फाड़ दिए और परकोट पर आक्रमण किया और मगधवासियों को डराने के लिए, चैत्य पर्वत पर मारने के लिए, उसके जैसा उस मस्तक पर आघात हो रहा हो, चैत्य पर्वत का जो शिखर था उसको उड़ा दिया और गिरिव्रत उसकी राजधानी थी उसमें प्रवेश किया। ये हिंदी मूवी का एक डायलॉग है, ये अपुन का स्टाइल है, ये भगवान का स्टाइल है। मथुरा में गए, राजा के पास जाने पहले दो तीन ऐसे पराक्रम करके गए, नो वो हाथी को मार दिया, उपजा को ठीक कर दिया, वो धनुष तोड़ दिया। तो ऐसा यहां से मैसेज दे दिया, नगाड़े फाड़ दिए, गांव में नहीं गए, बाहर से नगाड़े फाड़ दिए, पर्वत का शिखर तोड़ के फेंक दिया और धीरे से नगर में प्रवेश कर लिए। नगर में प्रवेश कर लिए, नगर का वर्णन है, ऐसा वैभव था, उसकी समृद्धि देखकर सब प्रसन्न हुए। उन्होंने मालाएं ली और गले में मालाएं लगाई, विभूति लगाई और चल पड़े। इन ब्राह्मण, तीनों ब्राह्मण जो युवीर जैसे लगते थे, उसको देख के प्रजाजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, चल पड़े और सीधे महल में चले। जरासंघ मधु आद्य पाद्य से उसका सम्मान किया, ऋषि ने आशीर्वाद दिया था ब्राह्मण भक्त होगा, वो ब्राह्मण वेशधारी थे इसलिए उनका सब सम्मान किया। और जब आतिथ्य से वृत्त हुए, फिर उन्हें प्रणाम करके कहा उसने, हे ब्राह्मण अतिथि, आपका आदर है, सम्मान है, आपका स्वागत है। फिर चुप हो गया, मतलब पूछ रहा था कि आप क्यों आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो भगवान ने पहले से तय कर लिया था। भीम और अर्जुन मौन में बैठे थे और कहा भगवान ने कि ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, ये आधी रात के पहले नहीं बोलेंगे, फिर बाद में शेष आधी रात तक बोलेंगे, फिर सुबह से बोलना बंद कर देंगे। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। और ये बड़ा ब्राह्मण था और निबंध नियम लेने वाला और कोई नहीं था ऐसा ब्राह्मण, बोले इसलिए ऐसा यूनिक है। तो रासिंह ने कहा ठीक है, आपको निवास दे देता हूँ। सबके सामने दिया उसने निवास, जहाँ ब्राह्मण थे सब, बोला आपके दर्शन के लिए आधी रात को मैं आता हूँ। जरासंघ आधी रात को पहुँचता है, फिर वहाँ जो डायलॉग है काफ़ी लंबी चीज़ है, एक करीबन उसमें काफ़ी सुभाषित है,
क्योंकि वो खुद पूछ लेता है कि आप दिखने में तो ब्राह्मण लगते हो लेकिन हो क्षत्रिय, किस उद्देश्य से यहाँ आए हो वगैरह वगैरह। तो उस डायलॉग में टू द शोल्डर्स ऑफ कृष्ण एंड जरासंध देयर आर सो मेनी गुड मैसेजेस दैट भगवान हैज बीन गिविंग अस टू महाभारत दैट वी विल आई थिंक सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। जो बीच में छोड़ना ठीक नहीं, जरा लंबा है डायलॉग, चर्चा भी लंबी है, सुभाषित भी कई है उसमें, अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी जरा टाइम टेबल चेंज हो रहा है अगले हफ्ते से, इस वीकेंड से, शनि सैटरडे और संडे तो मेरा क्लास होगा अंग्रेजी वाला, उसमें हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ाएंगे और वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल के रूप में निपा जी रख देगी। एक मंत्र के नीचे एक पेज में एक ही मंत्र है, आप अलग 18 मंत्र है, 18 पेज बाइंड कर लो, स्पाइरल बाइंडिंग है तो फाइल में रखो और मंत्र के नीचे थोड़ा लिखते जाइए, एक एक्स्ट्रा पेज डालिए, क्लास में नोट लिखो। शनिवार रविवार को ईशावास्य उपनिषद हो।